हेलो किड्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास. सो वी हैव फिनिश्ड द लेसन कॉल्ड द ऑनेस्ट पुण्यकोटी. सो टुडे वी आर मूविंग टू द एक्सरसाइज पार्ट. इन एक्सरसाइज वी हैव आंसर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू सेंटेंसेस. सो वी हैव सम क्वेश्चंस. हाउ मेनी क्वेश्चंस डू वी हैव? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 क्वेश्चंस वी हैव एंड वी नीड टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन टू सेंटेंसेस. ओके, सो टू सेंटेंस फॉर ईच क्वेश्चन. So let's start. Let's see what is the first question here. So see here, the first question is, who was Punyakoti? Punyakoti kaun thi? And the answer is, see here, Punyakoti was a beautiful cow. Punyakoti ek beautiful si cow thi. She was the leader of a herd of cows that lived in a village in Karnataka. Wo ek cow ke गायों के झुंड की सरदारनी थी जो कर्नाटका के एक विलेज में रहता था. देन हु वॉज हुलिया? हुलिया कौन था? हुलिया वॉज एन ओल्ड एंड वीक टाइगर. हुलिया एक ओल्ड और वीक बाघ था. ही लिव्ड इन अ जंगल नियर द पास्चर. वो कहाँ रहता था? एक जंगल में नियर पास्चर. देन द थर्ड क्वेश्चन इज how did Hulia feel when he saw a herd of cows? Answer is, Hulia was thrilled when he saw a herd of cows. He lay in wait for them behind a big rock, confident of getting a good meal. जब Hulia ने cow का झुंड देखा, he was thrilled. वो बहुत ही खुश हो गया और उसने एक बड़े से पत्थर के पीछे पना ले ली. वो वहाँ पे छुप गया ताकि वो किसी एक काऊ को पकड़ कर खा सके. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज क्वेश्चन डी, व्हाई वाज हुलिया नॉट एबल टू कैच एनी काउ फ्रॉम द हर्ड? हुलिया क्यों कोई काऊ को नहीं पकड़ पाई? बिकॉज आंसर इज, व्हेन हुलिया अटैक द हर्ड ऑफ काउस द हर्ड स्कैटर्ड इन पैनिक एंड रैन अवे. जब हुलिया ने उन काउस पर अटैक किया तो काऊ इधर उधर भागने लगे. हुलिया वॉज सो वीक एंड एग्जॉस्टेड. दिस इज ई. हुलिया वॉज सो वीक एंड एग्जॉस्टेड दैट ही कुड नॉट कैच एनी काउ फ्रॉम दी हर्ड. हुलिया इतना वीक हो गया था, इतना थक गया था कि उसे एक भी काउ उसके पकड़ में नहीं आया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हुलिया थिंक व्हेन ही सॉ अ लोन काउ? जब हुलिया ने अकेली गाय को देखा तो हुलिया ने क्या थिंक किया, क्या सोचा? आंसर इज, व्हेन हुलिया सॉ अ लोन काउ ही थॉट दिस एज अ हेवन सेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक अप फॉर द वन ही हैड स्कॉन्डर्ड बाय हिज ओन फुलिशनेस अर्लियर. हुलिया ने जब एक अकेले काउ को देखा तो उसे लगा ये हेवन से, स्वर्ग से भेजी हुई कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो जिसका उपयोग हुलिया को कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसने अपनी फुलिशनेस में, अपने स्टुपिडिटी से एक चांस गवा लिया था. ही वॉज डिटरमाइंड नॉट टू लेट गो ऑफ इट. ही वेटेड पेशेंटली एंड प्रोमिस्ड हिमसेल्फ अ गुड फीस्ट दैट डे. हुलिया ने ये सोच रखा था कि मैंने अपनी फुलिशनेस से तो एक अपॉर्चुनिटी गवा दी है, अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ये काऊ को पकड़ के रहूँगा और इसे खा ही जाऊँगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड पुण्यकोटी थिंक व्हेन शी सॉ हुलिया? पुण्यकोटी ने जब हुलिया को देखा तो उसने क्या सोचा? व्हेन पुण्यकोटी सॉ हुलिया शी रियलाइज दैट शी वॉज नो मैच फॉर हुलिया इवन दो ही वॉज ओल्ड एंड वीक. पुण्यकोटी को ये पता था कि हुलिया बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही बूढ़ा है, वीक है, फिर भी उसे पता था कि हुलिया की वो बराबरी नहीं कर सकती क्योंकि वो एक टाइगर है. शी डिसाइडेड नॉट टू रेजिस्ट. शी वॉज थिंकिंग ऑफ हर हंग्री काफ वेटिंग ईगरली फॉर हर. पुण्यकोटी ने डिसाइड किया कि मैं इसका विरोध नहीं करूँगी, लेकिन वो ये सोच रही थी कि मेरे भूखे बछड़े का क्या होगा. वाई डिड पुण्यकोटी वॉन्ट टू गो होम? पुण्यकोटी को घर क्यों जाना था? पुण्यकोटी वॉन्टेड टू गो होम बिकॉज हर हंग्री काफ वॉज वेटिंग ईगरली फॉर हर. शी वॉन्टेड टू फीड हर काफ. पुण्यकोटी घर इसलिए जाना चाहती थी बिकॉज उसका भूखा बछड़ा उसकी राह देख रहा था और वो उसे खाना खिलाना चाहते थे. वाई डिड पुण्यकोटी रिटर्न टू हुलिया?
पुण्यकोटी हुलिया के पास वापस क्यों आई? पुण्यकोटी वॉज एन ऑनेस्ट गाय. पुण्यकोटी एक बहुत ही ऑनेस्ट गाय थी, बहुत ही वफादार, भरोसेमंद, अपना वचन नहीं तोड़ने वाली गाय थी. शी बिलीव्ड इन कीपिंग हर प्रॉमिस. उसे लगता था कि जो प्रॉमिस किया है उसे तोड़ना नहीं चाहिए. देन व्हाई डिड हुलिया फाइनली लेट पुण्यकोटी गो बैक टू हर चाइल्ड. फिर हुलिया ने पुण्यकोटी को अपने बच्चे के पास जाने क्यों दिया? आंसर इज पुण्यकोटी हैड अ चांस टू रन अवे फ्रॉम हुलिया बट शी केप्ट हर प्रॉमिस एंड केम बैक टू हुलिया. पुण्यकोटी के पास एक चांस था ताकि वो भाग सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. हुलिया आफ्टर सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ पुण्यकोटी टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट बी एबल टू ईट सच अ ट्रूथफुल एंड नोबल एनिमल एज हर. ही कंसिडर्ड हर एज हिज सिस्टर एंड लेट हर गो. हुलिया ने कहा कि मैं इतने सच्चे प्राणी को तो नहीं खा पाऊंगा, इसलिए उसने उसे अपनी बहन का दर्जा दिया और उसे जाने दिया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग आंसर द क्वेश्चंस. नाउ रीड दिस सेंटेंसेस एंड देन वी नीड टू आंसर दिस क्वेश्चंस. आई एम रेडी टू बी योर फूड बट कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर. हु इज आई हियर? हु इज यू हियर? व्हेन वर दीज वर्ड्स सेड? डू यू टेक मी टू बी सच अ फूल? Who is you here? Who is me here? When were these words said? He is right. We will change our route. Who is he here? Who is our here? Who said these words to whom? So basically हमें इन sentences को पढ़ना है. यहाँ पे I किसे refer किया गया है, you किसे refer किया गया है, me किसे refer किया गया है और are, he और you को किसे refer किया गया है और किसने ये बात किससे कही, ये भी हमें लिखना है. सो लेट्स सी दैट. सो लेट्स स्टार्ट. सी हियर फर्स्ट वन इज आई एम रेडी टू बी योर फूड बट कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर. हु इज आई हियर? आई हियर इज पुण्यकोटी. मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे पर एक उपकार कर सकते हो? यहाँ पे आई कौन है? पुण्यकोटी है. हु इज यू हियर? हियर यू इज हुलिया. व्हेन वर दीज वर्ड सेड? Punyakoti wanted to go back to her calf to feed him. Hence, she asked for Hulia's favor as she knew that she won't be able to use resistance. ये बात हुलिया ने तब कही जब उसे टाइगर ने देख लिया था. Do you take me to be such a fool? Who is you here? इस second sentence में sentence number B. Do you take me to be a such a fool? Who is you here? You here is Punyakoti. Me here is Hulia. Who is me here? Me here is Hulia. When were these words said? Who is me here? Me here is Hulia. Then, when were these words said? When Punyakoti asked for his favor to go and feed her calf, Hulia told these words. Now the next sentence is, he is right, we will change our route. Now who is here? He here? He here is the calf. Next one is, who is R here? Here R is a group of cows in the herd. Next one is, who said these words to whom? Answer is, all cows in one voice said these words to whom? To Punyakoti. When Punyakoti was returning to Hulia as per her promise, the cows tried to stop her. Now the next question is, fill in the blanks using the correct words from the box. Complete the passage and then read it. So we have some words here in this box. So what do we need to do now? We need to fill in the blanks using the correct words. So you can see this is a passage. Ek passage hai, and in this passage some words are missing. So some words are missing. We need to fill these blanks. There are some blanks. We need to fill these blanks with choosing the correct words from this box. Okay, so I have already written the answer. We'll just have to read it. Now see here. The policeman spotted Tana. The policeman spotted Tana, the culprit. Who is Tana here? The culprit from afar.
अफार मीन्स दूर से। पुलिसमैन स्पॉटेड ताना द कल्प्रिट फ्रॉम अफार। बहुत ही दूर से पुलिसमैन ने क्या किया, ताना जो एक कल्प्रिट है उसे स्पॉट किया, उसे देख लिया। ही वॉज अ टेरर अ फ्यू मंथ्स बैक। ही वॉज अ टेरर अ फ्यू मंथ्स बैक। द पुलिसमैन स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ही वॉज अ व्हाट टेरर। वो एक आतंक था कुछ दिन कुछ महीने पहले। सो द पुलिस स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। पुलिस इधर उधर, पुलिस ने क्या किया, इधर उधर उसे ढूंढने के लिए स्कैटर हो गए। ताना स्टील्ड देम। ही गेव चेस विद ऑल द स्पीड ही कुड मस्टर। ताना जितना हो सके उतनी स्पीड से भागने लगा। अलास इट वॉज इनएडिक्वेट, बट वो कम पड़ गया। ही वॉज सो वीक एंड एग्जॉस्टेड दैट ही कुड नॉट एस्केप फ्रॉम देम। ताना इतना वीक और एग्जॉस्टेड हो गया था, इतना थक गया था कि वो पुलिस से बच नहीं पाया। द पुलिस मैन कॉट हिम एंड गेव सरकास्टिक स्टेयर। ताना वॉज अगास्ट। इट इम्प्लोर्ड हिज हार्ट। डोंट कैच मी पिटीफुली ताना। ताना जैसे ही पुलिस के हाथ लग गया, उसने क्या किया, पुलिस से रिक्वेस्ट की, भीख मांगी कि डोंट कैच मी, मुझे मत पकड़ो। पिटीफुली ताना। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्टिविटी लैंग्वेज डेवलपमेंट पार्ट एंड ऑल्सो द ग्रामर पार्ट। सो दिस इज आवर लास्ट लेसन। सो वी विल फिनिश दिस इन फिनिश दिस बाय ट्यूजडे। After that, we will have a revision. So I hope you are studying well. Kids, you need to do what? You need to read this lesson and you need to write down this exercise in your textbook and notebook. And most importantly, since you are not coming to school, you are at home, you need to do the writing practice every day. आपको लिखने की हर रोज practice करनी है. Okay? So see you in the next class. Till then, take care and study well.